चुनाव 2022 की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए लोकतंत्र भारत की टीम आज पहुंची है गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिलगा, और इस समय इस पंचायत के ग्राम गम्हरिया में मैं यहां के कुछ ग्रामीणों के साथ हूं। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें पंचायत में जो मुखिया के द्वारा काम हुए हैं उन कार्यों पर इनकी क्या राय है, साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर इनमें कितना उत्साह है। क्या नाम है आपका? दुखीदास। पंचायत में मुखिया के द्वारा कितना काम हो पाया? काम हुआ। कौन कौन सा काम लगता है कि हुआ है? रोड का पीसीसी, रोड पीसीसी, रिपेयरिंग और पानी का भी काम हुआ है। पानी घट जाता है तो बोलने से आदमी आकर के रिपेयरिंग कर लेता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है, क्या नाम है? बसंत दास। बसंत जी आप बताइए पंचायत में कैसा काम हुआ है? हम लोग के तो देखते हुए मद्देनजर मुखिया के तिथि में भाव में काम तो बहुत अच्छा हुआ है। हमारे गांव में एक नए तीन तीन गो पीसीसी हुए हैं हमारे यहाँ, बाकी आवास मिला है, वृद्धा विधवा पेंशन सारी सुविधाएँ लोगों को मिला है, कुआँ रिपेयरिंग हुआ है। इन मुद्दों पर जो भी मुखिया प्रत्याशी थी, मुखिया कैंडिडेट से हम लोग जो भी थी मांगे हैं आज तक ले तो हम लोग को कोई सही थी नहीं हुआ, सारा चीज़ का हम लोग को सुविधा मिला है। सब सुविधा मिला है। एक और ग्रामीण है, ये उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गांव है यहीं बगल में पतालबी। नाम क्या हुआ? पंकज कुमार कंधे। बताइए कंधे जी विकास हो पाया कि नहीं? विकास तो पूरे पंचायत में हुई है। क्या क्या काम मुख्य रूप से हुआ? सी चापाकल, कूप मरम्मति, आवास योजना, प्रत्येक गांव में 20 से 25 आवास हुआ है। जो सीरियल नंबर में आवास का नंबर में थे उनका आवास हुआ है, जिसका नंबर में नहीं है वो तो बोलबे करेगा मेरा आवास नहीं हुआ है, जैसे हमारा खुद का आवास हुआ है। मुखिया का काम से आप खुश हैं कि? बहुत खुश हैं, मुखिया के काम से बहुत खुश हैं हम, नहीं पूरे पंचायत के लोग खुश हैं। बात रही अब दो चार गो जो है अदर क्वालिटी के जैसे लोग, वो तो विरोध करबे करेगा, और विरोधी अगर नहीं रहेगा फिर सत्ता कहाँ से चलेगा। आप बताइए कि पंचायत का चुनाव होने वाला है, अगला मुखिया इस पंचायत से कौन बन रहा है? अगला चुनाव हम लोग फिर दोबारा लाने का प्रयास करेंगे यही मुखिया को। कल देखिए गम्हरिया में पानी का पूरा व्यवस्था नहीं था, कल तुरंत मिस्त्री को जा करके लताकी से अपने मुखिया जी उठा लाए और यहाँ का बोरिंग चालू करवा करके सबको पानी की व्यवस्था किए। यही कल हम भी यहीं थे, यहाँ पानी नहीं था, सबको नहा रहे थे नदी में जा करके। कल तुरंत एक घंटा में मिस्त्री ला करके खुद अपने ला करके गम्हरिया की मुख्यमंत्री जल नल योजना जो है सो चालू करवाए। मुखिया जी को काम करने के मामले में 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से हम तो एकदम 10 भी देने के लिए तैयार हैं। 10 देने के लिए तैयार हैं। एक और ग्रामीण है, ये इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? टेकलाल दास। टेकलाल जी आप बताइए कितना काम हो पाया? सर यही तो काम हुआ, पीसीसी हुआ, कुआं रिपेयरिंग हुआ और शौचालय और कुछ नहीं हम जानते। मुखिया फिर जीतेगा कि नहीं? वो पब्लिक अनुसार है ना, पब्लिक जैसे कर। काम से आप खुश हैं? खुश तो है जरूर। खुश हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी फिलहाल। चिलगा पंचायत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ के ग्रामीणों को बोलते हुए आप सुन रहे हैं, विकास पर अपनी राय दे रहे थे, मुखिया के कार्यों की प्रशंसा हो रही है, उनके कार्यों की सराहना हो रही है, लोग उनके कार्यों को पसंद कर रहे हैं, लोगों ने खुले मन से उनका समर्थन किया है। लोगों का कहना है कि मुखिया चूंकि काम करने वाले हैं, लोगों की बात सुनने वाले हैं, तो हर हाल में अगला जो चुनाव होगा उसमें फिर से एक बार इन्हीं को जिताने की बात भी यहाँ के लोग कह रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड की है, और जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिलगा के गम्हरिया गाँव की ये तस्वीरें हैं, जहाँ के ग्रामीण हमसे रूबरू हो रहे थे और इनके माध्यम से इन्हीं के द्वारा पंचायत में 10-12 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं उन सभी कार्यों से हम अवगत भी हो रहे थे। धन्यवाद।